विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं नमन। आजकल हम आपसे बात कर रहे हैं राजयोग की। अभी मैंने कई सारी बातें आपको पहले बताई, अब इसी क्रम में आज हम आपसे बात कर रहे हैं मिथुन लग्न वालों के राजयोग। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब राजयोग की बात होती है उस समय पर लग्न सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है, राशि गौण, क्योंकि लग्न है तो व्यक्ति है, एसेंडेंट जिसको लग्न कहते हैं उससे व्यक्ति के विषय में जाना जाता है, उसके स्वास्थ्य के विषय में जाना जाता है, और चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो किस प्रकार से मिथुन लग्न वालों के लिए राजयोग बनते हैं इसकी बात आज हम करेंगे। मिथुन राशि जिसका कि स्वामी बुध होता है, आप सबको मालूम है बुध बाल ग्रह है और बहुत जल्दी प्रभावी हो जाता है, बहुत बचपन से ही चीजों को सीखने लग जाता है और विभिन्न प्रकार की जो क्रिएटिविटी होती है वो बुध के कारण होती है। लेकिन बुध को स्वतंत्र होना चाहिए, अगर बुध किसी भी ग्रह के साथ में होता है तो उसका असर ले लेता है। तो अगर लग्नेश बुध लग्न में हो तो राजयोग होता है, अगर कर्मेश बृहस्पति कर्म भाव में हो तो राजयोग होता है, कर्मेश अर्थात दशमेश, अगर दशमेश बृहस्पति और लग्नेश बुध लग्न में हो तो राजयोग होगा, अगर दशमेश बृहस्पति लग्न में हो तो राजयोग होगा, अगर बुध एवं बृहस्पति दोनों दशम भाव में हो तो राजयोग तो होता है लेकिन शरीर के लिए कभी कभी कष्टकारी होता है क्योंकि लग्न का मालिक बुध नीच का हो जाता है। अगर लग्नेश बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ हो तो राजयोग होगा, अगर भाग्येश शनि लग्न में बैठा हुआ हो तो राजयोग होगा, अगर लग्नेश बुध कार्येश अर्थात दशमेश बृहस्पति और भाग्येश शनि ये तीनों ही भाग्य भाव में बैठे हुए हो तो राजयोग होगा, अगर पंचमेश शुक्र दशम भाव में हो जाए उच्च का मीन का तो राजयोग होगा, अगर द्वितीयेश चंद्रमा दशम भाव में हो जाए तो राजयोग होगा, अगर दशमेश बृहस्पति दूसरे भाव में हो जाए तो राजयोग होगा, अगर दशमेश बृहस्पति और द्वितीयेश चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो राजयोग होगा, अगर द्वितीयेश चंद्रमा तथा दशमेश बृहस्पति दशम भाव में हो तो राजयोग होगा, अगर लग्नेश बुध तथा लाभेश मंगल दोनों लाभ भाव में हो तो राजयोग होगा, अगर द्वितीयेश चंद्रमा तथा लाभेश मंगल लाभ भाव में हो तो राजयोग होगा, अगर लाभेश मंगल तथा द्वितीयेश चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो राजयोग होगा, अगर लग्नेश बुध भाग्येश शनि और दशमेश बृहस्पति की युति लग्न में हो तो राजयोग होगा, अगर लग्नेश बुध पंचमेश शुक्र तथा दशमेश बृहस्पति दशम भाव में हो तो राजयोग होगा, अगर लग्नेश बुध तथा दशमेश बृहस्पति लाभ भाव में हो तो राजयोग होगा। बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई, इसके साथ भी बहुत सारे राजयोग होते हैं लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखने की ये बात है कि अगर
राजयोग का हम निरूपण कर रहे हैं, राजयोग को हम देख रहे हैं। तो लग्नेश अगर बुध राहु या केतु के साथ में हो जाए तो भले ही लग्न में बैठा हुआ तब भी योग में कमी हो जाएगी। चंद्रमा अगर बैठे हुए हो राहु या केतु के साथ में तो राजयोग में कमी हो जाएगी। बृहस्पति अगर राहु और केतु के साथ में बैठे हुए हो तो राजयोग में कमी हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें हैं, जब पत्री को देखते हैं तो इसके साथ ही एक एक भाव को देख करके, एक एक ग्रह को देख करके इसकी जानकारी करनी चाहिए और तब आगे बताना चाहिए। हमेशा आप प्रसन्न रहें। और राजयोग है सो तो है ही है, लेकिन दशम भाव का जो महत्व है कर्मठता का, उसको हमेशा ध्यान रखें तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसके साथ फिर हम आगे आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।